आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगलवार की रात घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजाए गिरजा घरों में विशेष पूजा प्रार्थना शुरू हो गई। इस मौके पर ऊना के संजवान आश्रम चर्च को क्रिसमस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया। संजवान आश्रम द्वारा गिरिजाघर परिसर में प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती हुई झांकियां भी लगाई गई है, जिनमें मरियम, प्रभु यीशु, गढ़रिये और स्वर्ग से आए दूत दिखाए गए हैं। वहीं चर्च में रात भर पूजा प्रार्थना के साथ ही प्रभु यीशु की जीवन गाथाओं का वर्णन भी किया गया। इस दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। संजवान आश्रम के फादर जॉर्ज और फादर थॉमस ने इस मौके पर सभी को रोशनी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म विश्व में प्यार का संदेश देने के लिए हुआ। इस दिन को क्रिसमस डे कहा जाता है और पूरे दिसंबर माह को क्राइस्ट मास के नाम से जाना जाता है। क्राइस्ट मास के खत्म होने के बाद ही ईसाई नव वर्ष की शुरुआत होती है। मैं सबसे पहले तो आप सबको क्रिसमस दिन का मुबारक देने चाहता हूँ। हम सबको पता है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु ये दुनिया में आए, सबको शांति का सुसमाचार सुनाए थे। हर एक लोगों को इस तरह ये दुनिया में जीना है, हमको एक नया अध्याय सिखाए थे। जो बाहर में हम जाने के देखते देख सकते हैं कि किस तरह हमारे जो वन आश्रम के ब्रदर लोग फादर लोग के सहाय से बहुत मेहनत करके एक क्रिब भी बनाया गया है, उस देखने के लिए बहुत लोग आ चुका है कि इसमें बहुत बड़ा संदेश है कि प्रभु परमेश्वर ने हर एक जीव मनुष्य को सृष्टि किया है, हर एक जान को जिंदगी का एक मतलब प्रभु है। एक कहानी से दिखाया गया है, प्रदर्शन किया गया है। क्रिसमस मेरे भाई बहनों आप सबको मैं हैप्पी क्रिसमस का त्यौहार का शुभकामनाएं देता हूँ। आज सबके लिए पूरे दुनिया के लिए एक बहुत खुशी का समय है कि प्रभु यीशु मसीह खुदादा पुत्र इस दुनिया में सबको मुक्ति देने के लिए, सबको प्यार देने के लिए इस दुनिया में आया है। इस खुशी मौके पे मैं माउंट कार्मल वालों सबके लिए क्रिसमस का शुभकामनाएं देता हूँ और खुदा के सामने प्रार्थना भी करता हूँ। खुदा की कृपा, आशीर्वाद, प्यार, क्षमा हमेशा सबका परिवार में मिले और क्रिसमस का जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह सबके लिए दुनिया में आ गया है। हम उसमें विश्वास करके प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए सबको हैप्पी क्रिसमस में विश करता हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।